बात है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب أو قال أبي العشب صدق الله العظيم تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد تم حسد سے بچو حسد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ وجہ فإن الحسد يأكل الحسنات کیونکہ بے شک حسد یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کھا جاتا ہے کما تأكل النار والحطب جیسا کہ آگ یہ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد کہتے کسے ہیں حسد کی حقیقت کیا ہے حسد کے درجات کیا ہے حسد کے اسباب کیا ہے حسد کا علاج کیا ہے انشاءاللہ آج چند معروضات اس پر پیش کریں گے دنیا میں ہر انسان کی کیفیت مختلف ہے ہر انسان کے حالات مختلف ہیں اور دنیا میں انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں کسی انسان کے حالات یکساں نہیں رہتے اگر انسان پر خوشی کے حالات آتے ہیں تو انسان پر غم کے حالات بھی آ جاتے ہیں اگر کوئی انسان خوشحالی میں ہے تو اس پر پریشانی بھی آ سکتی ہے انسان کے حالات بدلتے ہیں یہ انسان ایک حالت میں ہمیشہ نہیں رہتا لیکن جب انسان اپنے دل پر محنت نہیں کرتا اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا پھر انسان کا یہ جو دل ہے یہ آہستہ آہستہ سل بن جاتا ہے اس کے اندر روحانی امراض اور بیماریاں جگہ بنا لیتی ہے جس طرح ایک انسان جسمانی طور پر
अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, एतदाल से नहीं चलता, तो ज़ाहिरी बदन को भी बीमारियां लग जाती है और वो बदन मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर होता है। इसी तरह ये जो इंसान का दिल है, इसकी भी अगर इंसान देखभाल नहीं करे, निगरानी नहीं करे, इसमें भी बहुत ही जल्द रूहानी अमराज आ जाते हैं। और उन रूहानी अमराज में हसद एक नुमाया और मोहलिक मरज है। हसद कहते किसे हैं, हसद की हकीकत क्या है? हसद इसे कहते हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख ले या तरक्की करता हुआ देख ले, किसी भी एतबार से, चाहे वो माल के एतबार से है, चाहे वो जमाल के एतबार से है, चाहे वो किसी कमाल के एतबार से है, असबाब के एतबार से है, मनसब और इज्जत के एतबार से है, तो इंसान उसे बर्दाश्त नहीं करता, दिल में कुड़न और जलन पैदा हो जाती है। और इंसान ये चाहता है कि इसको अल्लाह पाक ने जो माल दिया है, इज्जत दी है, मकाम और मर्तबा दिया है, ये इससे महरूम हो जाए। ये जज्बा किसी के लिए भी जब इंसान के दिल में पैदा होता है, ये जज्बा हसद कहलाता है। बल्कि उलमा ने हसद के दरजात लिखे हैं, फिर हसद के भी दरजात हैं, कैटेगरीज है। हसद का पहला दर्जा उलमा ने ये लिखा है कि जब इंसान किसी के पास कोई नेमत देख ले या मनसब देख ले या अल्लाह पाक ने उसको एक इज्जत अता की हो, दुनियावी एतबार से मकाम अता किया हो, तो इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि मुझे भी ये मकाम मिल जाए, मुझे भी इससे ये मकाम मिल जाए, चाहे इसके पास रहते हुए या इससे छिन जाए, इसके पास रहते हुए मिल जाए या फिर चाहे इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये भी हसद है। लेकिन ये हसद का सबसे पहला और छोटा दर्जा है, हल्का दर्जा है। हसद का दूसरा दर्जा उलमा ने लिखा है कि अगर इंसान किसी के पास नेमत देख ले, किसी भी किस्म की नेमत हो, माल, असबाब, मनसब, ओहदा, इज्जत, शोहरत, तो इंसान दिल में तमन्ना करे कि ये नेमत इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, इससे लाजिमी तौर पर छिन जाए और मुझे मिल जाए। पहले और दूसरे दर्जे में फ़र्क आप हजरात समझ गए होंगे कि पहले दर्जे में तो ये ख्वाहिश थी कि चाहे इसके पास रहते हुए मुझे मिल जाए और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। लेकिन दूसरा दर्जा उससे बढ़कर है, बदतरीन है, कि इसमें है ही यही ख्वाहिश कि इससे लाजिमी छिन जाए और मुझे मिल जाए। तीसरा दर्जा जो सबसे रजील तरीन, अर्जल तरीन दर्जा है हसद का, वो उलमा ने, अकाबरीन ने, बुज़ुर्गों ने यह लिखा कि इसमें इंसान किसी के पास अगर माल, मनसब, ओहदा, असबाब देखे तो ये ख्वाहिश करें कि जिस के पास ये नेमतें हैं, ये माल, असबाब, शोहरत, कोई भी नेमत है, ये इससे छिन जाए, मुझे चाहे मिले या ना मिले, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन ये सामने वाला इससे महरूम हो जाए। अगर इसको अल्लाह पाक ने माल दिया है तो इससे ये माल चला जाए, इसको अगर इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, तो इससे ये महरूम हो जाए, चाहे मुझे मिले या ना मिले। ये हसद का सबसे बदतरीन और रजील तरीन दर्जा है। तो बहरहाल किसी भी दर्जे का हो, इंसान के दिल में काबिल इस्लाह है। चाहे तीनों दर्जात में से हर इंसान अपने नफ्स को ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, हर इंसान अपने हालात से, बातिनी अहवाल से
ज़्यादा ख़बरदार हैं, तो जिस भी दर्जे का हसद खुदा ना खास्ता अगर मौजूद है किसी में, इसके इस्लाह की फ़िक्र ज़रूरी है। जिस तरह इंसान एक ज़ाहिरी मरस के इलाज की कितनी फ़िक्र करता है, भाग दौड़ करता है, कोशिश करता है, पैसा माल खर्च करता है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर देखता है, तो रूहानी अमराज ये तो जिस्मानी अमराज से भी ज़्यादा मोहलिक है। क्यों? इसका ताल्लुक आखिरत से है, दुनिया से भी है लेकिन आखिरत से ज़्यादा है, और जिस्मानी मरस का सिर्फ दुनिया से ताल्लुक है। तो जिस मरस का दुनिया से ताल्लुक है वो दुनिया को मुतासिर कर सकती है या ज़ाहिरी जिस्म को, उसके इस्लाह की हम फिक्र करते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन जो अमराज इंसान की रूहानियत को तबाह करते हैं, आखिरत को ख़राब करते हैं, उसकी तरफ से हम 100% गाफिल रहते हैं। हसद पैदा होने की वजूहात क्या है, असबाब क्या है, यह हसद इंसान के दिल में पैदा क्यों होता है, इसकी दो वजूहात उलमा ने लिखी है कि हसद पैदा होने का एक सबब और एक वजह यह है हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, और दूसरा सबब है हुब्बे जाह, मनसब, ओहदा, शोहरत, इसकी मोहब्बत। जिस इंसान के दिल में माल की मोहब्बत होगी, असबाब की मोहब्बत होगी, वो हसद के अंदर मुब्तला होगा, क्योंकि इंसान की फितरत है कि इंसान जिस चीज़ की मोहब्बत दिल में रखता है, इंसान दूसरे को अपने से आगे बढ़ता हुआ उस मामले में नहीं देखना चाहता। अगर मेरे दिल में माल की मोहब्बत पैदा हो गई, फिर अगर मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, मेरे रिश्तेदार हो, अकारिब हो, मेरा पड़ोसी है, मेरे मोहल्ले वाले हैं, मेरे दोस्त हैं या कोई भी है, अगर कोई मुझसे उसमें आगे बढ़ेगा तो मेरे दिल के अंदर हसद पैदा होगी, जलन पैदा होगी, कुड़न पैदा होगी। या इसी तरीके से अगर दिल के अंदर हुब्बे जाह है, एक इंसान शोहरत पसंद है, मशहूरी का जज्बा उसके दिल में है, वो चाहता है कि हर जगह मेरी वाह वाह हो, लोग मुझे पसंद करें, मेरी तारीफ़ें हों, ये जज्बा भी जब इंसान के दिल में होता है, फिर इंसान जिस भी जगह पर या कहीं पर भी किसी को देखता है, उसको मेरे मुकाबले में ज़्यादा इज़्ज़त दी गई, उसको मुझ पर फौकियत दी गई, उसे ज़्यादा पज़ीराई मिली, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसके अंदर, दिल के अंदर उसके लिए हसद के जज्बात पैदा होंगे, नफ़रत के जज्बात पैदा होंगे। हसद के दो असबाब हैं बुनियादी, और हकीकत भी यह है कि जब दिल में माल और जाह की मोहब्बत होगी, फिर ये जज्बात पैदा होंगे अगर दिल की इस्लाह नहीं की। और ये भी याद रखें, हसद का ताल्लुक इससे नहीं है कि भाई वो मेरा जानने वाला है या जान पहचान वाला है, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, ताल्लुक है, बल्कि चाहे जान पहचान हो या ना हो, मैं जिससे हसद कर रहा हूँ हो सकता है वो मुझे पहचानता भी ना हो या हमारा कोई ताल्लुक भी ना हो, लेकिन ये ऐसी बदतरीन बीमारी है, ऐसा मूजी मरज है कि ये किसी भी इंसान से पैदा हो जाता है। अब चाहे वो सामने वाला मुझे नहीं पहचानता, मेरा उससे कभी वास्ता ताल्लुक नहीं रहा, सलाम दुआ भी नहीं है, या मैंने शायद कभी देखा भी नहीं हो, लेकिन पहचानता हूँ, उसको शोहरत मिली है, उसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, दिल के अंदर हसद पैदा हो जाता है। ये सब मोहलिक मरज है, और उलमा ने लिखा है ये ऐसी बदतरीन बीमारी है कि इसकी मिसाल सुलगती हुई आग की तरह है। सुलगती हुई आग होती है ना, एक तो बड़ी आग है जो लम्हों में हर चीज़ को भस्म कर देती है, एक छोटी आग है जो हल्की हल्की सुलगती है। आप हजरत ने देखा होगा जब आग बुझाई जाती है बाज़ मरतबा, तो नीचे कुछ ऐसी लकड़ियाँ भी होती हैं जो सुलगती रहती है,
और आँख उसको आहिस्ता 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 खाती है। तो उलमा ने, बुज़ुर्गों ने लिखा, ये आँख, ये हसद, ये आँख की एक चिंगारी है जो इंसान के दिल में पैदा हो जाती है। फिर जिस तरह चिंगारी सुलगती रहती है तो ये हसद की चिंगारी खुदा न खास्ता अगर दिल में पैदा हो जाए, ये इंसान को चैन से नहीं रहने देती। मशहूर मकूला है, ला राहत लिल हसूद, हसद करने वाले शख्स को कभी राहत नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता, ये हमेशा बेचैन रहता है। बस बेचैनी के अंदर रहेगा, दिल के अंदर एक खलिश होगी, एक तड़प होगी, एक बेचैनी होगी। हसद का इलाज क्या है? हमने हसद की हकीकत तो समझ ली, सुन ली, हसद कहते किसे हैं, इसकी हकीकत क्या है, हसद के दर्जात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, लेकिन अब इसका इलाज क्या है? जब इंसान को एक मोहलिक बीमारी लगती है तो वो बीमारी जितनी ख़तरनाक होती है इंसान उतना ही बेचैन होता है। सर में दर्द आया, भाई चलो ज़्यादा परवाह नहीं है, भाई गोली खा ली। पेट में दर्द आया, लेकिन भाई अगर शुगर लग गई, भाई अब तो बड़ी फिक्र, नहीं शुगर ऐसी चीज़ है, खुदा ना खास्ता अगर बढ़ गई, कम हो गई, तो ये किसी भी उज़ू पर हमलावर होती है, अटैक कर लेती है, आँखों पर भी करती है, गुर्दों पर भी करती है, दूसरे अज़ा पर भी कर लेती है। इंसान फिक्रमंद होता है, ब्लड प्रेशर खामोश कातिल है, और दीगर अमराज़। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो रूहानी अमराज में ही बाज़ अमराज बड़े मोहलिक है, ख़तरनाक है, ये भी इंसान के रूहानियत पर हमलावर होता है। ये हसद भी ऐसा ख़तरनाक मरज़ है कि सिर्फ़ इस एक मरज़ की वजह से इंसान कई अमराज का शिकार हो जाता है। जैसे जिस्मानी बीमारियों में भी होता है ना, ये शुगर कई बीमारियों का सबब बन जाती है। तो ये हसद अगर इंसान खुदा ना खास्ता करेगा, याद रखें, इस हसद की वजह से इंसान में कीने का मरज़ भी पैदा होगा। क्यों? जिससे इंसान हसद करेगा उसको नापसंद करेगा, उससे नफ़रत का जज्बा दिल में पैदा होगा, दिल में कीना आ जाएगा, फिर दिल के अंदर बोझ आ जाएगा, दिल में कदूरत आ जाएगी, नफ़रत में बदल जाएगी, फिर इंसान उसके नतीजे में उसकी किरदार कशी करेगा, उसकी गीबत करेगा महसूद की। यही मकसद होगा ना गीबत का, कि मैं इसका जो मरतबा और मकाम है इसको गिरा दूँ, लोगों की नज़रों में इसका मकाम ख़त्म कर दूँ। इस फासिद नियत से ये गीबत करेगा, किरदार कशी करेगा, और अगर कोई ऐसा पॉइंट इसको नहीं मिलेगा तो ये बोहतान भी लगा देगा, झूठा बोहतान, कि भाई फ़लाँ ऐसा करता है, फ़लाँ में ये मरज़ है, फ़लाँ का ये मामला है, झूठा बोहतान भी इंसान लगा लेगा। इस एक हसद की वजह से इंसान में कीना भी पैदा हुआ, बोझ भी पैदा हुआ, गीबत का मरज़ भी पैदा हो गया, बोहतान तराजी का मरज़ भी पैदा हो गया, झूठ का मरज़ भी पैदा हो गया। ये कितना ख़तरनाक मरज़ है। तो इस मरज़ के इलाज की बड़ी ज़रूरत है। इसका इलाज क्या है? उलमा ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे मशाइख ने इसके कई इलाज लिखे हैं। एक इलाज हसद का उलमा ने ये लिखा है कि इंसान इस पर गौर करें कि देखिए, अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत होती है, और दुनिया के अंदर ये जो माल का किसी के पास कम होना, किसी के पास ज़्यादा होना, हुस्न व जमाल का किसी के पास कम होना, किसी के पास ज़्यादा होना, सेहत का किसी के पास बेहतर होना, किसी के पास अबतर होना, इज़्ज़त शोहरत मनसब का किसी को मिलना, किसी को न मिलना, ये किसकी तरफ से है? यह अल्लाह पाक की तरफ से है। ये तकसीम किसकी है? यह अल्लाह पाक की तकसीम है ना, इसमें इंसान को तो दखल नहीं है। अल्लाह पाक जिसको चाहे माल दे, जिसको चाहे न दे, जिसको अल्लाह पाक चाहे इज़्ज़त दे, जिसको न दे। इल्म की तकसीम, इल्म का होना न होना, माल का होना न होना, इज़्ज़त का, शोहरत का, मनसब जो भी है, ये मिन जानिबिल्लाह है तकसीम। अब अगर मैं इस पर एतराज़ कर रहा हूँ, या जिसको ये नेमत मिली है उससे हसद कर रहा हूँ, ये तो मैं अल्लाह पाक की तकसीम पर मोतरिज़ हूँ कि भाई इसको ये माल क्यों मिला, इससे छिन जाना चाहिए, उसको अल्लाह पाक ने दिया, मुझे नहीं मिला, अल्लाह पाक ने नहीं दिया, इसमें कोई अल्लाह पाक की हिकमत होगी,
मेरे लिए बेहतरी होगी। बास मरतबा याद रखें कि माल का न मिलना ये इंसान के लिए बेहतर होता है, क्यों? अल्लाह पाक के इल्म में है कि अगर इसको माल दूंगा ये बंदा नाफरमान सरकश बन जाएगा, ये गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर अपनी आखिरत बर्बाद कर देगा। और अल्लाह पाक की तकसीम में हर काम में हिकमत है, तो इंसान ये सोचे कि फलां के पास अगर ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, या उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, तो मैं क्यों उससे हसद करूँ? ये अल्लाह पाक की तकसीम है और मैं क्यों अल्लाह पाक की तकसीम पर एतराज़ करूँ? और हकीकत भी ये है कि हासिद अल्लाह पाक की तकसीम पर गोया मोतरज़ है। एक इलाज ये है, इंसान गौर व फ़िक्र करे कि भाई अल्लाह पाक हकीम ज़ात है और हकीम ज़ात का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, लेकिन मैं उसकी हकीकत समझता नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे अपने मौजूदा हालात में खैर और बेहतरी है, मैं इसको समझता नहीं हूँ। इसी तरीके से दूसरा इलाज उलमा ने इसका ये लिखा हसद का कि इंसान अपनी अल्लाह पाक ने जो उसको नेमतें दी हैं उस पर भी गौर कर ले। मुसीबत ये है कि जो इंसान नाशुक्री करता है वो हसद के अंदर मुब्तला हो जाता है। क्यों? अल्लाह पाक ने इसको भी बड़ी नेमतें दी हैं, लेकिन ये उस नेमतों की कदरदानी नहीं कर रहा, ये दूसरों की दी हुई, दूसरों को जो अल्लाह ने नेमतें दी उस पर नज़र रखा हुआ है, ये उसकी तरफ देखता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले मेरा उठना बैठना मालदारों के साथ था, अमीर लोगों के साथ जो हाई स्टेटस का तबका है। फरमाए कि मैं जब देखता मजलिस में किसी का लिबास मुझसे आला, किसी की सवारी मुझसे आला, किसी का घर मुझसे आला, तो मेरे दिल के अंदर बेचैनी पैदा होती, एक जज्बा पैदा होता बेचैनी का, हसद का, बड़ी परेशानी वाली ज़िंदगी थी। लेकिन फरमाए फिर मैंने निचले तबके में यानी अपने से कमतर लोगों में उठना बैठना शुरू किया, तो जब मैं देखता कि फलां के पास मुझसे नेमत कम है, मुझे अल्लाह पाक ने ज़्यादा दी, मेरा लिबास इससे अच्छा, मेरी सवारी इससे अच्छी, तो मेरे दिल में शुक्र के जज्बात पैदा होने लगे, हसद के जज्बात ख़त्म हो गए। आज मुसीबत ये है बहुत बड़ी कि आज दुनिया के मामले में हम अपने से ऊपर देखते हैं और दीन के मामले में हम अपने से नीचे को देखते हैं, ये चीज़ मुसीबत बनी हुई है। दुनिया के मामले में हम अपने से ऊपर अफराद को देखते हैं, फ़लाँ के पास तो सवारी अच्छी है, फ़लाँ का घर इतना बड़ा, फ़लाँ की सवारी इतनी आला, गाड़ी इतनी अच्छी है इस मॉडल की है, फ़लाँ की दुकान इतनी बड़ी, फ़लाँ का कारोबार इतना बड़ा, फ़लाँ को इतनी ज़्यादा शोहरत मिली है, फ़लाँ के पास बड़ा मनसब और ओहदा है मेरे पास नहीं है। फिर हसद भी पैदा होगा, बोझ भी पैदा होगा, नाशुक्री के जज्बात भी पैदा होंगे। और दीन के मामले में हम क्या करते हैं? अपने से नीचे को देखते हैं कि भाई फलां भी तो ऐसा कर रहा है, भाई अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ वो फलां भी तो नहीं जाता, मैं अगर ये नेकी का काम नहीं कर रहा हूँ भाई वो फलां भी तो नहीं कर रहे, चले कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आज मुसीबत बनी हुई है, हालांकि मामला इसके बरक्स होना चाहिए कि दुनिया के मामले में हम अपने से नीचे को देखें कि भाई अगर मेरे पास माल कम है तो दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास सेहत नहीं है, मेरे पास सेहत है, मेरे हाथ पैर सलामत, मेरी आंखें सलामत, मेरी जहनी सलाहियतें ठीक है, अस्पतालों को जाके देख लें अस्पताल भरे पड़े हैं, हर शोबे का आप देख लें अस्पताल, आप दिमागी अस्पताल चले जाएँ वहाँ आपको जगह नहीं मिलेगी, आप दिल के वार्ड में चले जाएँ वहाँ जगह नहीं मिलेगी, आप किसी भी अस्पताल चले जाएँ कितने अमराज हैं, तो फिर आपके दिल में शुक्र के जज्बात पैदा होंगे कि अल्लाह पाक ने मुझे सेहत तो सही दी। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी अस्पतालों की नज़र हो गई, मैं ठीक हूँ, सुबह सवेरे सही सलामत उठता हूँ और अल्लाह पाक के घर आना नसीब होता है, अपने हलाल रिज़्क कारोबार के लिए, तिजारत के लिए सही सलामती के साथ जाता और आता हूँ, अल्लाह पाक ने आफ़ियत की नेमत अता की है, मैं क्यों ना शुक्री करता हूँ? मैं दूसरों के माल असबाब को देखकर क्यों ना शुक्री करता हूँ? मैं क्यों दूसरों से हसद करने लगा हूँ?
जब अल्लाह पाक ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होना चाहिए कि मैं उस पर ही शुक्र अदा कर लूँ। उसके शुक्र से ही मुझे वक्त नहीं बचना चाहिए, चे जाए कि मैं नाशुक्री भी कर रहा हूँ, दूसरों की नेमतों को देखकर हसद का, जलन कुड़न का शिकार भी हो रहा हूँ। तो ये तभी होता है। तो दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे को देखें और दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखें कि भाई फ़लाँ माशाल्लाह इतना आगे बढ़ गया दीन में, भाई फ़लाँ ने इतने अरसे में कुरान करीम तजवीद से पढ़ भी लिया और मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, मुझे भी कुरान करीम तजवीद से सीखना है। फ़लाँ ने माशाल्लाह वो नमाज़ों का पाबंद हो गया, मुझे भी नमाज़ों का पाबंद होना है। फ़लाँ ने माशाल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत चेहरे पे सजा ली, मैं भी आहद करता हूँ कि मैं भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत आज से रखूँगा। फ़लाँ खैर के मामलात में आगे बढ़ गया, मैं भी आगे बढ़ूँगा। तो दीन के मामलात में हमेशा अपने से ऊपर देखें, इसमें तनाफुस करें। आज हम तनाफुस और मुकाबला करते हैं तो दुनिया के मामलात में कर रहे हैं, दीन के मामलात में तो हम लापरवाह हो चुके हैं, भाई फ़लाँ भी तो ऐसा नहीं कर रहा, फ़लाँ भी तो ऐसा नहीं कर रहा। तो एक इलाज क्या है, मैंने अर्ज़ किया हसद का, कि इंसान अपनी नियामतों पर भी तो गौर कर ले, अल्लाह पाक ने जो मुझे दिए इस पर इंसान गौर नहीं करता। इसी तरीके से हसद का एक तीसरा इलाज, उलमा ने ये लिखा है कि इंसान गौर कर ले कि मैं जिससे हसद कर रहा हूँ तो आया इस हसद से मुझे फ़ायदा है या नुकसान, और जो महसूद है जिससे मुझे हसद है उसको फ़ायदा है या नुकसान, इसको भी देख लें। हम दुनिया के मामलात में फ़ायदा नुकसान देखते हैं ना, इसमें भी देख लें। तो अगर इंसान गौर करेगा, आप यकीन जाने, मैं अगर किसी से हसद करता हूँ तो मैं अगर गौर कर लूँ तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा कर रहा हूँ, वो फ़ायदे में मैं नुकसान में, दुनियावी एतबार से भी आखिरत के एतबार से भी। आप गौर कर लें इस पर, किस तरह, इस तरह के अगर खुदा न खास्ता कोई किसी से हसद कर रहा है तो दुनियावी एतबार से नुकसान ये है कि मैं हसद करके अपनी सेहत को ख़राब करूँगा, जलूँगा, सारा दिन कुड़ रहा हूँ, जल रहा हूँ, अपनी सेहत ख़राब कर रहा हूँ, मुतासिर कर रहा हूँ, मुझे तो नुकसान है। उसको क्या नुकसान है, उसको क्यों नुकसान नहीं है, वो उल्टा देख रहा है कि भाई ये हासिद है तो वो खुश हो रहा है मुझे हसद करता हुआ देख कर, उसको तो खुशी हो रही है, उसको क्या नुकसान है। और आखिरत के एतबार से क्या है कि जब मैं हसद करूँगा इस हसद के नतीजे में मैं उसकी गीबतें करूँगा, मैं उसकी किरदार कशी करूँगा, मैं बहुतान तराजी करूँगा। और गीबत करने का मतलब यही है कि मैं अपनी नेकियाँ उठाकर मुफ्त में उसको दे रहा हूँ, तो वो आखिरत के एतबार से भी फ़ायदे में, मेरी नेकियाँ उसको मुफ्त में मिल रही है, बैठे बिठाए मिल रही है, और मैं अपनी नेकियों से बैठे बिठाए महरूम हो रहा हूँ। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक ज़माने के हैं, हम असर उलमा हैं, दोनों हज़रत का अपना अपना हलका था। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने दर्स में फ़रमाया इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कि ये जो इमाम अबू हनीफ़ा है ये बड़े बकील शख्स है, बकील इंसान है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी कि दुनियावी एतबार से इमाम अबू हनीफ़ा बड़े सखी थे, मालदार भी थे, सखी भी थे, बहुत सखावत थी हज़रत इमाम साहब में। तो किसी ने पूछा, हज़रत ये तो अजीब बात है, इमाम साहब की तो सखावत मशहूर है कि नहायत फयाज़ और सखी इंसान है, आप कह फरमा रहे हैं कि बकील है। फरमाए बकील इस एतबार से है कि अपनी नेकियाँ किसी को नहीं देते, एक नेकी किसी को देने पर तैयार नहीं है, यानी किसी की बुराई नहीं करते, किसी की गीबत नहीं करते। तो गीबत नहीं करते तो अपनी नेकी भी किसी को नहीं दे रहे। आज तो हमारी नेकियां है क्या, हमारे आमाल है क्या कि थोड़े बहुत कर भी लिए तो फिर गीबत की, किसी की बुराई की, किसी की किरदार कशी की, उससे भी हाथ धो बैठे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा इकराम भी हमराह थे, इतने में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, चेहरे से वज़ू का पानी टपक रहा था, जूते हाथ में थे। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया ये शख्स जन्नती है, ये शख्स आने वाला शख्स जन्नती है, जन्नत की बिशारत दी। सहाबा बड़े हैरान हुए, रश्क करने लगे। तो एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं ये जस्तजू में लगा कि इसका कौन सा अमल ऐसा है कि आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बिशारत दी।
मैं उसके साथ गया और उससे उनके घर में कुछ दिन रहने की इजाज़त मांगी। अरब बड़े मेहमान नवाज थे, ताकि इसके अमाल मामूलात देखूं। तीन दिन रहा, लेकिन मैंने कोई ख़ास मामूल ऐसा अलग से नहीं देखा। आम जो है फ़राइज़ अदा करना, सुन्नतें, वाजिबात, नमाज, ज़िक्र, अस्कार, वो अपनी जगह। फिर मैंने इससे पूछा उनसे कि भाई आपका कौन सा ख़ास अमल ऐसा है कि आप अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत की बिशारत दी जब आप मस्जिद में दाखिल हुए? तो सहाबी ने अर्ज़ किया कि मेरा कोई अलग से ख़ास अमल तो नहीं है, बस एक बात है कि मैंने आज तक किसी से हसद नहीं किया। मैंने अपने दिल में किसी के लिए मैल और कदूरत कभी नहीं रखा, किसी मुसलमान के लिए। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा अमल है दिल को साफ रखना। आज हमारे दिल नफ़रत से भरे हुए, आज हमारे दिल कदूरतों से, हसद से, कीने से भरे हुए हैं, ये नुकसान है। और चौथा इलाज उलमा ने और बुज़ुर्गों ने ये लिखा कि जिससे हसद है इंसान उसके लिए दुआएं खैर करे। अब आसान तो नहीं है इस तरह की दुआ करना, वैसे ही जिससे हसद करता है उससे तो तबीयत नहीं लग रही, लेकिन भाई इलाज तो करना है। तो उलमा ने लिखा कि उसके लिए दुआ मांगे, जब इंसान दुआ करे अपने लिए उसके लिए भी दुआ मांगे। होगा तो मुश्किल शुरू में, तबीयत नहीं चाहेगी, लेकिन कसदन व इरादतन इंसान उसके लिए दुआएं खैर करे। इसकी बरकत क्या होगी, इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसकी बरकत से अल्लाह पाक दिल से हसद का मरज़ निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो बस अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आज ये मरज़ भी बहुत ज़्यादा आम है, और फिर इसके नुकसानात भी बिल्कुल ज़ाहिर है कि इसकी वजह से इंसान बाज़ मरतबा नफ़रत का शिकार होकर किस कदर आगे बढ़ जाता है कि पस्ती में जा गिरता है, इंसानियत के मकाम से भी गिर जाता है। और इसके लिए फिर इंसान दूसरों को गिराने के लिए गीबतें भी करता है, किरदार कशी भी करता है, झूठ भी बोलता है, लोगों में बदगुमानियाँ भी पैदा करता है, और इसके लिए फिर इंसान गलत किस्म के अमाल का, बुरे किस्म के अमाल, जादू, सहर, इस तक का सहारा ले लेता है, इंसानियत के मकाम से गिर जाता है, बाज़ मरतबा ईमान से हाथ धो बैठता है। तो बहरहाल ये इसके इलाज बयान हुए, और ख़ुद भी बहरहाल चूँकि फितनों का ज़माना है तो सूरह फलक, सूरह नास जो मुअव्वज़तैन है, याद रखिए बहुत इसका मुजर्रब इलाज है कि जो इंसान मुअव्वज़तैन हर नमाज के बाद पढ़कर अपने ऊपर दम करे, जादू से, सहर से, हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں یا اللہ جتنی لغزش کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے روحانی امراض سے حسد سے کینے سے بغض سے تکبر سے اللہ محفوظ فرما دے اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین